ये एक क्यूबॉइडल शेप का ब्लॉक है जो कि इस थ्रेड से हमने बांधा हुआ है और इस तरह से फ्लोट कर रहा है कि इसके जो एजेस हैं ये दोनों ही वाटर लेवल पे ठीक है डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स आर दो एजेस आर एट वाटर लेवल पूछा व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस वुड ठीक है तो इस पॉइंट के अबाउट टेंशन है तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देते हैं ताकि इस टेंशन की टेंशन हमें खत्म हो जाए अच्छा टॉर्क किन दो फोर्सेस के कारण आएगा एक बी के कारण और एक इसके सेंटर ऑफ मास पे एम लगेगा नीचे तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो ठीक है समझ में आता है हमें बी किस पॉइंट पे लगानी पड़ेगी तो वो क्या होगा ना बी भी भाई क्या है यूनिफॉर्मली लगती है बॉडी पर हर जगह है ना तो जैसे एम का फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगता है तो बी भी सेंटर ऑफ मास पर लगती है लेकिन किसके सेंटर ऑफ मास पे जो पार्ट सबमर्ज है तो सबमर्ज पार्ट कौन सा है ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास होता है सेंट्रॉइड पे ठीक है तो अब एक्चुअली इसको ओ पॉइंट को सेंट्रॉइड से कनेक्ट करके आगे ले जाओगे तो वो सेंटर ऑफ मास पे मिल जाएगा क्योंकि इस डायगोनल का सेंटर भी तो वही है जो सेंट्रॉयड वहीं से पास होगा और सेंटर ऑफ मास भी वहीं है सो so, उसके आगे तो खैर कैलकुलेशन है तो एम जी नीचे लग रहा है रोयल वी जी ऊपर रोयल वी बा, वी बाई टू तो इंटू जी ऊपर लग रहा है सेंट्रॉइड पे सो एफ जी विल अप्लाइड सी ओ एम ओ फुल प्लैंक वेर एस एफ बी एन सी विल अपलाइड सेंट्रॉइड ऑफ इमर्स ट्राइंगर वेज सो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट ओ सो वी डी नॉट वरी अबाउट रिएक्शन फोर्सिस एट हिंचॉर्क अबाउट ओ सो एम जी इंटू थ्री एक्स ठीक है वन टू टू रेशियो में होता है टू टू वन रेशियो में होता है इड तो अब एक ही लाइन के अबाउट लग रहे हैं दोनों फोर्सेज फोर्सेज पैरल हैं डायरेक्ट ये टू एस टू वन रेशियो में है, तो डायरेक्ट लिख दो थ्री एक्स एजू टू एक्स समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं भाई यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे दोनों फोर्स तो हमें एक्चुअली ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस चाहिए तो ये अगर टू एस टू थ्री रेशियो में है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी टू एस टू थ्री रेशियो में होगी सो एम जी इंटू थ्री एक्स सो दिस इज द काउंटर क्लॉक बाय स्टॉर्क इज इक्वल टू रोएल इंटू वी बाई टू जी इंटू टू एक्स ठीक है एम कितना है वो ही पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड सो मास विल बी रो ऑफ पी क्या होता है यार भाई पता नहीं मैंने पी क्यों लिखा है यहाँ पे अच्छा प्लैंक है ना ठीक है सो रो ऑफ प्लेंक इंटू वी हो गया है ये तो वी भी कट जाएगा सब कुछ कट ही जाना है सो रो ऑफ प्लैंक इज रोएल बाई थ्री तो जो रेशियो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है रो ऑफ समथिंग अपॉन रो ऑफ वाटर दैट विल बी वन बाय थ्री ठीक है